Hey guys, today we will see some sentence with the word avoid and last. These two words, we will see some sentence like how we should make a sentence of avoid and how we should make a sentence of last, right? So, she avoids me. So, generally the meaning of avoid means andekha karna. Like you are avoiding somebody, aap andekha karte ho, she avoids me. उसने मुझे वह मुझे अनदेखा करती है सी अवॉइड्स मी उसने मुझे अनदेखा करती है राइट यू आर अवॉइडिंग मी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो यू आर अवॉइडिंग मी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट इसे किसी कीमत पे अनदेखा करो लाइक यू आर सेइंग दैट कुछ भी हो लेकिन इसे अनदेखा करो अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट आई हैव नॉट बीन अवॉइडिंग यू मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा हूँ आई हैव नॉट बीन अवॉइडिंग यू मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा हूँ टॉम वॉन्ट्स टू अवॉइड एवरीथिंग टॉम हर चीज़ को अनदेखा करना चाहता है टॉम वॉन्ट्स टू अवॉइड एवरीथिंग टॉम हर चीज़ को अनदेखा करना चाहता है नाउ वी विल सी सेंटेंस विथ लास्ट अभी हम लोग सेंटेंस सीखेंगे कि लास्ट से कैसे सेंटेंस बनाना चाहिए राइट आई रिटायर्ड लास्ट ईयर मैं पिछले साल रिटायर्ड हुआ राइट आई रिटायर्ड लास्ट ईयर मैं पिछले साल रिटायर हुआ वी स्पोक लास्ट नाइट हमने कल रात बात की थी राइट वी स्पोक लास्ट नाइट हमने कल रात बात की थी आई गॉट सिक लास्ट वीक मैं पिछले हफ्ते बीमार हो गया आई गॉट सिक लास्ट वीक मैं पिछले हफ्ते बीमार हो गया वी मेट लास्ट थर्सडे हम पिछले गुरुवार को मिले वी मेट लास्ट थर्सडे हम पिछले गुरुवार को मिले राइट सो ऐसे आप लास्ट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं और मेनली मैं बहुत सारा सेंटेंस बनाता हूँ एक ही वर्ड से सो दैट आपको यदि ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं और जनरली द सेंटेंस मैं यूज करता हूँ ये हम लोग काफ़ी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं जैसे जनरली बोलते हैं हम लोग पिछली सप्ताह से हम बीमार है यूजली हम लोग बोलते हैं या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मंडे से आप बीमार हो राइट सो आप ऐसे बोल सकते हो आई गॉट सिक लास्ट मंडे और आई गॉट सिक लास्ट टू डेज बैक सो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो राइट सो लेट्स से आपको कहना है कि आपने रिटायर वन मंथ पहले किया है राइट तो आप बोल सकते हो आई रिटायर्ड लास्ट मंथ और आई रिटायर्ड इन जनवरी और आई रिटायर्ड इन मार्च इसलिए मैं ऐसा कॉमन सेंटेंस यूज करता हूँ सो दैट आप इजीली सीख सकते हो इंग्लिश राइट थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो